हेलो डियर लिसनर्स डियर लिसनर्स वी आर डूइंग चैप्टर इलेवन लेट अस एंड टुडे आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर नाइन्टी वन एंड टॉपिक इज़ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन तो इससे पहले हमने क्या किया था रूरल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था तो इसमें हम क्या करेंगे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरिया आर डिफरेंट फ्रॉम डैट इन रूरल एरिया जैसे मैंने बोला जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या है डिफरेंट uh, है अर्बन एरिया के रूरल एरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं लाइक ह्यूज ट्रक एंड ट्रेलर्स ट्रांसपोर्ट अ वायटी ऑफ हैवी मशीन फ्रॉम द सी पोर्ट्स एंड फैक्ट्रीज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री अभी बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रैक्टर्स एंड ट्रेलर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी, बड़ी, है, है, बहुत बड़ी अलग अलग तरह की हैवी मशीनस कहाँ से फ्रॉम सी पोर्ट एंड फैक्ट्री सी पोर्ट से और फैक्ट्री से कहाँ पर पहुँचाते हैं अलग अलग आ, हिस्सों हम जो हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट है डिफरेंट पार्ट्स है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उनको पहुँचाते हैं क्या ट्रैक्टर और हमारे जो ट्रक्स हैं सॉरी और जो ट्रेलर्स हैं और ट्रेलर कैरिंग द लेटेस्ट कार टू अ टाउन सिटी रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग एंड्रस्ट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल हु हैव क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड फॉर कार तो बोलते हैं जो जो हमारे ट्रेलर्स हैं वो उठाते हैं जो लेटेस्ट कार है उनको कैरी करके लेके जाते हैं उठा के लेके जाते हैं सिटी और टाउन तक पहुँचाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है हमें बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है हमारी कार मैन्यूफेक्चरिंग में बनने में ठीक है इंडस्ट्री के द्वारा और हमारी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं कि लोग इतने प्रॉस्पे मतलब प्रॉस्पर हो कितने अमीर हो गए हैं कि वो डिमांड करते हैं इस तरह की कारों के ठीक है जब जितनी भी नए नए मॉडल्स आपने देखा कि आजकल नए नए मॉडल्स आते रहते हैं कार के तो उनकी डिमांड होती रहती है तो इन सबको जो है जो बड़े बड़े हमारे ट्रक्स हैं या ट्रेलर्स हैं ये कैरी करके लेके आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर लोगों की डिमांड पर तो जैसे लोगों की डिमांड से पता लगता है कि वो कितने प्रॉस्पर है कितने रिच है कि वो उस चीज को खरीद सकते हैं ठीक है और हमारी कार जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में भी बताते हैं कितनी प्रोग्रेस कर ली उन्होंने देखिए आप देख रहे हैं ट्रेलर्स कैरिंग कार्स तो कैसे उठा के जो है उन पर लेके जाया जाता है कार्स को द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट इजी फॉर गुड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्राम वन एरिया टू अदर वो जो मॉडर्न मीन है ट्रांसपोर्ट का उसने ईजी कर दिया है कि कोई भी सामान को हम ट्रांसपोर्ट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर अर्यर दिटी फेज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मिल्क इन द समर तो बोलते पहले क्या था कि समर के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टेज हो आती थी मिल्क की बट नाउ बट अब क्या है द सिचुएशन हैज़ चेंज सिचुएशन है बिल्कुल चेंज हो गई है बिकॉज स्पेशल ट्रक कलेक्ट मिल्क इवन फ्रॉम रिमोट रूरल एरियाज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द सिटी इन ऑल सीजन देखिए सिचुएशन uh, इतनी बदल गई है कि जो हमारे ट्रक्स हैं स्पेशल ट्रक्स हैं वो रिमोट यानी कि दूर जो इलाके हैं रूरल एरिया है वहाँ से भी दूध कलेक्ट करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर सिटीज़ में हर सीज़न में चाहे वो समर है विंटर है रेनी सीजन है ठीक है तो अलग अलग दूर दूर जगहों पर जाते हैं ठीक है रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ से जो है को कलेक्ट करते हैं पेपर पहले क्या था कि समर जैसे कि कहीं जो समर सीजन होता था उसमें क्या होता था मिल्क की शॉर्टेज हो जाती थी बट अब ऐसा नहीं है शिप आर यूज टू ट्रांसपोर्टिंग वेरी हैवी आइटम्स लाइक ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स मशीन मशीनरी फॉर प्रिंटिंग टेक्सटाइल एंड अदर manufacturing industries from वन कंट्री टू another. तो जो शिप है उसने भी क्या है कि उसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं जो बहुत हैवी आइटम्स हैं ठीक है चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स हैं मशीनरी है प्रिंटिंग के टेक्सटाइल्स के लिए एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है तो जितना भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं एक कंट्री से दूसरी जगह लेके जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्गोशिप बहुत सारा जो है सामान लेके जा रहे हैं कार्गो शिप में बहुत सा चाहे ऑयल लेके जाते हैं इक्विपमेंट्स लेके आते हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाते हैं सामान तो किसकी हेल्प से हो रहा है वो शिप की हेल्प से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप इज़ चीपर देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो कह रहे है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान को ले जाया आ जाता है और शिप के द्वारा वो क्या बहुत चीप है उस मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ऐसे हमने पढ़ा था जो एयरवेज हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बट जो हमारे वाटर वेज होते हैं वो क्या होते हैं छिपर होते हैं ठीक है तो इनकी हेल्प से जो है आ, हम अपना कोई भी सामान वन प्लेस टू हैवी जो भी होता है हैवी सामान जो भी चाहे ऑयल ड्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं मशीनरीज हैं टेक्सटाइल इन सब को क्या है वन प्लेस टू अंदर लेके जाते हैं या वन कंट्री टू अन अदर कंट्री लेके जाया जाता है द वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन रूरल एंड अर्बन इंडिया है मैनी एडवांटेजेस तो कहते हैं जो अलग अलग तरह के आ, हम रूर और अर्बन एरिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बहुत एडवांटेजेस रहते हैं बट दूस एच हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ऑन रोड एट वेरी फास्ट रेड बट अब क्या है इसका डिस एडवांटेज भी ये हो रहा है एडवांटेज तो है कि हर सीज़न जैसे हमने पढ़ा कि पहले समर सीज़न में शॉर्टेज जाती थी मील की बट अब क्या है रिमोट एरिया तक जो है छोटे छोटे ट्रक्स को भेजा जाता है वो वहाँ से कलेक्ट करके लेके आते हैं तो एडवांटेज है कि हमें मिल रहा है लेकिन डिसएडवान्टेज क्या है कि इसके कारण क्या है जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो रही है रोड के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी okay. um, थोड़े थोड़े काम के लिए थोड़ी थोड़ी जगहों के लिए जो है हर काम के लिए सड़क पे जो है चल रहे हैं गाड़ी कार बस स्कूटर ठीक है उससे तो क्या, रहा? आ, क्या रहा? हो रहा है रोड uh, तो पर क्या हो रहा है ट्रैफिक ऐसा हो रहा है द ट्रैफिक जैम डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड और एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स तो कह रहे हैं उसकी वजह से क्या है ट्रैफिक जैम हो रहा है जो भी हम सामान मंगवाते हैं उस गुड्स के उसमें डिले हो रहा है पहुँचने में लेट ट्रैफिक जम होता तो सामान टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है एक्सीडेंट हो रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका एक्सपेंडिंग रोल ऑफ ज़्यादा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न मौड, टाइम में उसकी वजह से ये सैसे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन एफ़र्ट्स आर बीग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड्स बिल्ड फ्लाई ओवर्स ब्रिजेज एंड सिटी बाईपासज टू रिमूव अननेसेसरी डिले तो कह रहे हैं इसी सिचुएशन को जो प्रेजेंट सिचुएशन है एफेक्ट्स आर बींग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रोड इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है तो एक क्वालिटी है रोड्स की उसको ठीक किया जा रहा है और बिल्ड क्या किया जा रहा है फ्लाई ओवरस बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक कम हो सके ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं बाईपास बनाए जा रहे हैं ठीक है ताकि जो है जो अननेसेसरी डीले हो रही है जो फालतू तो, लेट हो रहे किसी भी काम के लिए किसी भी चीज़ को पहुँचाने के लिए ठीक है गुड्स को पहुँचाने के लिए उसको दूर करने के लिए इफेक्ट्स की जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं सॉरी व्हीकल्स आर

बैड इम्पैक्ट चला हुआ है तो इसको क्या करने के लिए क्या हो रहा है यूज़ क्या करने के लिए बोल रहे हैं सी एन जी यानी कि कम्प्रेस नेचुरल गैस को यूज़ किया जा रहा है और जो बेटर क्वालिटी की पेट्रोल है डीज़ल है जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस करता है उनका यूज़ कर यूज़ किया जा रहा है मतलब अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा पोल्यूशन कम होगा बट जो सी एन जी होती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है तो इस पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि इसको ज़्यादा यूज़ किया जा जाए so dear student here i have uh, discussed about uh, urban transportation hope you understand what will you do you will read this paragraph and that's all for the day tomorrow i will take the next topic thank you and have a nice day